क्या हम बात कर सकते हैं? आप ही को तुमसे कोई बात नहीं करनी। नजर छोड़ो। मरजान, तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। हम सिर्फ ईद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ताहिर के साथ तुम्हारे ख्वाब नहीं जी रही, तुम उदास मत हो। हमने ख्वाब इसलिए देखे थे कि हम समझते थे कि वो हमें चाहता है। हमारी तकलीफ की वजह ये नहीं। फिर क्या है? और निकल ना पाए। तुम नहीं समझोगी, तुमने जो किया वो ठीक किया। हर तकलीफ से निकल गई हो तुम। तुम बहुत मजबूत हो, हमारा एक हिस्सा तुमसे इसलिए नफरत करता है क्योंकि ताहिर ने हमारी जगह तुम्हें चुना। मगर एक हिस्सा कहता है कि तुमने ठीक किया है। डॉक्टर ने कहा है दिल में नहीं रखते, इसलिए कह रही हूं। और बात अंदर ना रहे, जहस इसलिए जला दिया हमने। अच्छा किया, बहुत मारा हमने, बुरा लगा। मैं मुझे नहीं पता मैं क्या कर सकती हूँ। अगर मैं कुछ करूँ तो शायद। तुम हम पर तरस खा रही हो और कुछ नहीं। कोई बात नहीं, हमें तकलीफ देने के लिए और भी चीजें हैं, तो अपनी जात पर जुल्म ना करो मरजान। ये जान बहुत कीमती है, दोबारा ऐसी हरकत ना करना। नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा ये। हम इस दुनिया में बहुत तकलीफ से रह रहे हैं, दूसरी दुनिया में जाके सुकून मिलेगा। अल्लाह का सामना कैसे करेंगे? कल ईद की कोर्ट में तारीख है, लेकिन परसों हम एक साथ डॉक्टर के पास जाएंगे। मुझे भी जाना है वैसे भी। ताहिर तो नहीं होंगे वहां, मतलब हम दोनों का एक साथ जाना कुछ अजीब लगेगा, इसलिए कह रहे हो। ठीक है, हम अकेले जाएंगे। फिर ठीक है। ये क्या है? मैं मरजान से बात करना चाहती थी। देखा मैंने, अगर ना करती तो सुकून नहीं मिलता। अब सुकून मिल गया ना तुम्हें? हाँ। अच्छा, आओ फिर चलते हैं। क्या कहा आपसे उसने? क्या कहा जो आप रो रही थी? नजर, हम चलते हैं, चलो। मुझे इजाजत नहीं देनी चाहिए थी, मुझे बात नहीं करने देनी चाहिए थी आपसे। गुस्सा क्यों हो? ये तुम पूछ रही हो नफीस? अगर कोई वहां कुछ कर देता तो? अच्छा, मैं समझ गई। देखते हैं कब तक गुस्सा रहोगे। हाँ, तुम तो जानती हो मैं इतनी देर तक गुस्सा नहीं रहता तुमसे। चलो बैठो।